हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग स्वाइप टेप्स फ्रेगमेंट के साथ कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्वाइप टेप्स विद फ्रेगमेंट्स गाइस, ये एप्लीकेशन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्वाइप करता हूँ तो ये मैं व्यू पेजर पे आगे बढ़ रहा हूँ और ये साथ साथ में ये टैब्स भी सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी ये व्यू पेजर आगे बढ़ रहा है। तो मैं टैब्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और व्यू पेजर पे स्वाइप भी कर सकता हूँ। तो गाइज़, हम लोग आज कुछ ऐसा ही इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो गाइज़, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे इस जो बेस लेआउट है उसको रिलेटिव लेआउट लेता हूँ और बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक टैब लेआउट चाहिए होगा, उसके लिए मुझे सपोर्ट डिज़ाइन डॉट ये वाली एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने ये डिपेंडेंसी पहले से ऐड की हुई है गाइस, ये मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं गाइस। दूसरी बात, मैं जो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा रिसोर्सेज में जाके वैल्यूज़ में जाके ये स्टाइल है, स्टाइल में यहाँ पे नो लाइक एक्शन बार किया हुआ है मैंने। तो ये जो डिफ़ॉल्ट आता है वो डायरेक्ट एक्शन बार आता है और यहाँ पर मैंने जो टूल बार है वो मैंने हटा दिया है। तो अभी मुझे क्या करना है, मैं एक नया टूल बार बनाना है। मुझे टूल बार मैच पेरेंट, एक सेकंड गाइज, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको मैं एक आईडी देता हूँ टूल बार। और जो इसका गाइज मैं बैकग्राउंड दूंगा वो मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देता हूँ। ये मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देता हूँ। और गाइज, जो ऊपर का ये जो कलर प्राइमरी है ये मैंने यहाँ पे कलर्स में जाके चेंज किया है। ये कलर प्राइमरी डार्क मैंने यहाँ पे जाके अपना ब्लैक कलर जो होता है वो मैंने पेस्ट किया है। यहाँ से मैं ब्लैक कलर का कोड कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम लोगों को चाहिए होगा आगे। तो यहाँ पर मैं एक टाइटल देता हूँ, टाइटल ऐप नेम दे देता हूँ और टाइटल का जो कलर है वो मैं एक्सेंट रख देता हूँ। तो हमारा जी टाइटल बन चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइज, इसके नीचे टेब लेआउट लगाता हूँ। गाइज, ये जो टेब लेआउट है ये ऐप कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में नहीं आता, ये सपोर्ट डिज़ाइन में आता है, तो इसलिए हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड की थी। यहाँ पे मैं टेब लेआउट लेता हूँ, इसको रैप कंटेंट देता हूँ और इसको एक रैप कंटेंट देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, ये जो वीट है उसको मैच पेरेंट दे देता हूँ। और गाइज, हम लोग इसको बताते हैं कि जो भाई ये टूल बार के नीचे आना है, तो हम लोग टूल बार के नीचे ले लेते हैं इसको। गाइज, हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेस बन गया है इसके लिए। तो मैं अब इसको एक बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का देता हूँ। एंड अभी गाइज, ये कुछ इसके एक एट्रीब्यूट्स हैं वो ध्यान देना आप। सेलेक्टेड ओके टैब टेक्स्ट कलर गाइज, ये क्या करेगा कि जो अगर कोई टैब सेलेक्टेड नहीं है, अगर अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट में है तो उसका जो कलर होगा वो ये बताएगा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, 1 2 3 4 दे देता हूँ और यहाँ पे जाके ये कुछ ब्लैक सा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइज, मैं और क्या करता हूँ, टैब इंडिकेटर कलर ये एक एक्सेंट दे देता हूँ। ये गाइज क्या होगा, मैं आपको दिखाऊँगा टैब इंडिकेटर कलर क्या होता है। और टैब सेलेक्टेड टेक्स्ट कलर, जो टैब सेलेक्ट कर रही है हमने उसका टेक्स्ट कैसा होगा, तो ये उसको उसको शो कराएगा। तो मैं इसको वाइट दे देता हूँ और मैं देखता हूँ गाइज कुछ टैब टेक्स्ट, टैब ग्रेविटी, टैब इंडिकेटर हाइट। तो गाइज, और कुछ भी नहीं है, इतने एट्रीब्यूट होते हैं। टैब सेलेक्टेड टेक्स्ट ओके, मैं इसको एक आईडी प्रोवाइड कराता हूँ गाइज, इसको मैं टैब लेआउट ओके। अभी मैं इसके नीचे व्यू पेजर रखूँगा मेरा, जहाँ पे मैं स्वाइप कर सकूँगा। व्यू पेजर मैच पेरेंट, मैच पेरेंट गाइज, ये पूरी एक्टिविटी में हो चुका है। तो मैं इसको बता देता हूँ कि किस एक्टिविटी के किस कंपोनेंट के नीचे आना है। तो यहाँ पे बिलो लिख के ये जो हमारा टैब लेआउट है उसके नीचे कर देता हूँ। तो ये गाइज, ये सही तरह से व्यवस्थित हो चुका है। और इसको मैं एक आईडी देता हूँ, व्यू पेजर ओके। गाइज, हमारा जो लेआउट था जो हम लोगों को बनाना था वो हमारा बन चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैन एक्टिविटी डॉट जावा में जाता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, इनिट इनिशियलाइजेशन।
यहाँ पे मैं जो सारे अपने हमारे जो कंपोनेंट हैं उनको इनिशियलाइज़ करूँगा, उनको फाइंड आउट करूँगा। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक व्यू पेजर चाहिए, व्यू पेजर, व्यू पेजर, और एक मुझे गाइस टैब लेआउट चाहिए, टैब लेआउट, टैब लेआउट, एंड मुझे एक टूल बार चाहिए, टूल बार। गाइज जब आप टूल बार सेलेक्ट करो तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो हैं, एंड्रॉयड डॉट विजिट और एंड्रॉयड सपोर्ट डॉट वी सेवन विजिट। हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल में सपोर्ट वी सेवन डॉट विजिट लिया है, तो उस वो चीज़ ध्यान रखना जो आपको वहाँ लिया है आपने वही यहाँ पे ले, वरना एरर आएगी। ओके अभी क्या करता हूँ गाइज, ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन मेथड है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अभी इसके अंदर ब्लॉक है जो इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्लॉक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू पेजर इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट व्यू पेजर। ओके गाइस जो टेब लेआउट है इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, आर डॉट आई डी डॉट टेब लेआउट। ओके गाइस जो टूल बार है उसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। गाइज टूल बार को फाइंड करने के साथ साथ मैं जो सब हमारा सबसे मेन काम क्या है कि जो सपोर्टेड टूल बार है उसको मैं टूल बार सेट कर देता हूँ, सेट सपोर्टेड एक्शन बार टूल बार। गाइज हम लोगों ने एक पीछे वीडियो बनाई थी, मतलब एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें ये था कस्टम ऐप बार प्लस मेन्यू आइटम्स थे, एक्शन बार मेन्यू आइटम्स, उसमें मैंने किया था, आपको समझाया था कि सेट सपोर्टेड एक्शन बार क्यों करते हैं। गाइज जो एंड्रॉइड स्टूडियो का डिफ़ॉल्ट एक्शन बार प्रोवाइड किया हुआ होता है, हम लोगों ने वहाँ पे जो स्टाइल्स में जाके यहाँ पे नो एक्शन बार कर दिया, जो था पुराना पुराना वाला उसको हटा दिया है, तो हम लोग एक नया सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये एंड्रॉइड स्टूडियो को बताना होगा कि हाँ भाई हम लोग ये वाला सेट कर रहे हैं, तो मैंने ये कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, एक मुझे है ना एक्टिविटी चाहिए व्यू पेजर में स्वाइप करने के लिए, तो मैं तीन फ्रेगमेंट बना लेता हूँ। फ्रेगमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू में जाते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी फ्रेगमेंट में जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट चूज करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं तीन फ्रेगमेंट बनाता हूँ, एक फर्स्ट बनाता हूँ, मैं मुझे ये दोनों मेथड नहीं चाहिए तो मैं दोनों मेथड हटा लेता हूँ। ये हमारा फ्रेगमेंट बन चुका है, तो मैं इस जो पहला फ्रेगमेंट है उसके लेआउट में जाता हूँ और इसको एक बैकग्राउंड का कलर देता हूँ